भिवंडी में शुरुआत में मुझे डर लग रहा था, मेरे कांटेक्ट में जो भी लोग थे सब लोग मुझे डरा रहे थे कि भिवंडी में काम कर रही है, भिवंडी में काम कर रही है। लेकिन जब मैंने भिवंडी में शुरुआत में सिसिरिटी ज्वाइन की तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, भिवंडी के लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आज हमारी फेवरेट नीता मैडम का बर्थडे है। मैं जब शुरुआत में आई तो मुझे है ना ये नीता मैडम बहुत खड़ूस दिखी, मगर उसके बाद में मैं उनके साथ में काम करने के उनके साथ में काम करने मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इनके साथ में हमेशा ये काम छोड़ के जाने का नहीं, इनके साथ में काम, इसके लिए आज तक यहाँ पर रुकी हूँ मैडम। नमस्ते, मी स्नेहा। आम्ही मी आणि मॅडम म्हणजे आमचं ओळखीचं एवढं हे नाही, पण 3 महिन्यापासून आम्ही एकदम असं क्लोज फ्रेंड झालो आणि त्यांच्यासोबत मला खूप भारी वाटतंय। मी तर सोडून जाणार नाही तुम्हाला। सलाम अलैकुम, मेरा नाम नमिरा है। जन्मदिन का ये खास तुम्हारा लम्हा मुबारक, आंखों में बसे नए ख्वाब मुबारक, जिंदगी जो लेकर आई आपके लिए आज तो वो तमाम खुशियां आपको मुबारक। मेरा नाम लक्ष्मी पेनगोंडा है। पहली बार मैं मैडम को देखा तो मुझे लगा मतलब मुझे इतना सपोर्ट देती है करके नहीं, अभी बहुत सपोर्ट देती है मैडम हर टाइम में। नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल पर जो हमारे दर्शक हैं वो पहली बार सोच रहे होंगे कि बर्थडे की क्लिप क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे चैनल पर आमतौर से बर्थडे की क्लिप पहली बार दिखाई जा रही है। और इसकी वजह असल में ये है कि हमारे साथ में है नीता मैडम, आज उनका जन्मदिन है और भिवंडी शहर से बहुत दूरी से चलकर रोज वो भिवंडी पहुंचती हैं और फिर भिवंडी से वापस भी जाती हैं। बहरहाल आज बात करेंगे नीता मैडम, भिवंडी शहर, लोग कहते हैं कि भिवंडी जो है बड़ा अलग ही शहर है, काम करना बहुत मुश्किल काम, और आपका जो काम है वो तो और ही मुश्किल काम है। आपकी जो टीम है उन्होंने बर्थडे का सेलिब्रेट किया, मुबारकबाद भी दी, तो ऐसे शहर ऐसे वक्त में भिवंडी शहर में काम करना आपको कैसा लगा? एक्चुअली जब मैं शुरुआत में 6 साल पहले भिवंडी में आई थी तो भिवंडी में शुरुआत में मुझे डर लग रहा था, मेरे कांटेक्ट में जो भी लोग थे सब लोग मुझे डरा रहे थे कि भिवंडी में काम कर रही है, भिवंडी में काम कर रही है। लेकिन जब मैंने भिवंडी में शुरुआत में सिसिरिटी ज्वाइन की तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, भिवंडी के लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। लेकिन जब शुरुआत की तो शुरुआत में मुझे असद भाई जो है, मौलाना असद कासमी, उन्होंने पूरा भिवंडी शहर दिखाया मेरे काम का तरीका कैसा है, उन्होंने काम कैसे करना चाहिए भिवंडी में, कैसे मतलब लोगों से मिलकर सब कुछ करना चाहिए, ये सारी बातें सिखाई। आज जो भिवंडी में हूँ तो भिवंडी में मैं जो है मौलाना असद भाई जो है, असद भाई की वजह से मैं आज भिवंडी में टिकी हूँ 6 साल से। दूसरी एक बात, आज तक मुझे स्टाफ भी इतना अच्छा सा मिला है कि जो भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आता है, पहले तो सीसी थे हमारे यहाँ पे, जो 24 सीसी थे सारे के सारे मुस्लिम थे और मैं अकेली हिंदू थी। सीसी का मतलब क्या? सीसी मतलब कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो 24 कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर मेरे अंडर काम कर रहे थे और सारे मेरे से एज से ज्यादा थे, उम्र से ज्यादा थे, तो मुझे पहले से डर लग रहा था कि वो उनके साथ अगर काम करूंगी तो मेरा सुनेंगे क्या, उनको फिर ऑर्डर कैसे देंगे, उनको फिर उनसे फिर काम कैसे करवा के लेंगे। और पहली बात, मेन बात तो ये थी कि सारे मुस्लिम थे और मैं अकेली हिंदू थी, तो शुरुआत में मुझे डर लगा था। लेकिन मुझे स्टाफ इतना अच्छा मिला कि मुझे लगा ही नहीं कि हम दोनों में कुछ डिफरेंट है करके। उसके बाद ये नया प्रोजेक्ट हमारा, हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो ये प्रोजेक्ट में भी जितना भी स्टाफ मुझे मिला है बहुत अच्छे से मेरे साथ में काम कर रहे हैं और सब लोगों का अच्छे से सपोर्ट है। आज तक मुझे मेरे स्टाफ ने और भिवंडी के सारे लोगों ने, जैसे कि आपके साथ भी मेरी मुलाकात हुई, आपने तो बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, तो भिवंडी में जितने लोगों से मेरी बात होती है, मुलाकात होती है, तो सब लोग मतलब एक फैमिली के जैसा मेरे साथ में जुड़ गए कि एक फैमिली होती है ना कि फैमिली को छोड़ के जा नहीं सकते। शुरुआत में डर रही थी मैं भिवंडी आने के लिए, लेकिन अभी जो ऐसा लग रहा है कि भिवंडी छोड़ के जाने का मन नहीं है। कहीं ना कहीं भिवंडी में जब काम करना होता है, भिवंडी में तो मेरा बचपन बीता है, मगर भिवंडी में काम करने के लिए जो लोग बाहर से आते हैं डरते हैं, कोई हिंदू सोच कर डरता है, कोई मुस्लिम सोच कर डरता है, मगर ज़रा सोचो ना, अगर तुम खुदा को मानते हो
तो जब दुनिया से जाओगे तो कब्रिस्तान की गहराई तुम्हारी 4 फिट, और अगर तुम भगवान को मानते हो तो जब अंतिम संस्कार तुम्हारा शमशान में होगा तो उसकी ऊंचाई 4 फिट। फिर हिंदू और मुस्लिम की क्या कहानी। मैं खान फख्र आलम। उत्तर प्रदेश के मऊ नाथ भंजन का सूरज मार का लाल तेल चोट मोच दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदोस परफ्यूमर्स, बागे फिरदोस मस्जिद के पास, 4th निजामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।